नया पे कमीशन जो लागू होना था उसमें काफ़ी हद तक उसमें हम सफल हुए हैं, और मैं कह सकता हूँ पूर्ण रूप से सफलता की अगर बात रही तो आज हमने उसको पूरा किया है। और पे कमीशन का पूरा इम्प्लीमेंटेशन का जो पार्ट है आज की मेरी अनाउंसमेंट के साथ समझता हूँ, मैं उसको पूरा मानता हूँ कि इसके बाद जो है कर्मचारियों के जो मेजर इशू थे वो सारे जो है इसमें कवरअप हो गए हैं। और उसमें जो विशेष तौर से जो अलग अलग विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लिए जो है वो लाभान्वित होने थे या किसी कारण से वंचित रहे, उन कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समान जो है वो वेतनमान दिया जाएगा। एक तो हमने ये अनाउंसमेंट की, और दूसरी बात जो हमारे JOIT की बात कहूँ मैं विशेष तौर से, उनको भी जो 2 वर्ष का जो नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत उनको लिपिकों की तर्ज पर उच्च वेतन मान जो है देने की भी मैंने आज अपनी बात कही है। 2 बातों का ही विशेष रूप से आग्रह था, और जिसपे कुछ बातें जो है टेक्निकली हम एग्जामिन कर रहे थे और उनकी चर्चा करने के पश्चात हम आज निष्कर्ष पर पहुंचे हमको ये करना चाहिए। जो कांग्रेस इसको लागू करने वाली थी ये उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन है। 2003 में ऑप्शन दी गई थी, अगर उन्होंने नहीं लागू करना था तो मना उस वक्त करते। जो कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे हैं इस प्रदेश में, एक बार नहीं अनेक बार मुख्यमंत्री रहे, उनके निर्णय पर उनकी ही पार्टी के लोग प्रश्नचिन्ह खड़ा कर रहे हैं, और आज वो कह रहे हैं कि हम लागू करेंगे, जब आएंगे तो करेंगे ना, आने की गुंजाइश पूर्ण रूप से बंद है अब उनकी। देखिए मैंने अमाउंट बताया था 7100 कुछ का कुल मिलाकर के जो कर्मचारियों को जो लाभ मिला है 7100 करोड़ के करीब जो है वो अमाउंट जो है उनको लाभ मिला है हमारे इन सारी इसको मिला करके। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास किया है हमारी सरकार ने कर्मचारियों के सारी समस्याओं का समाधान की दृष्टि से। इस कोविड की सिचुएशन में भी कर्मचारियों को सारी चीज़ें जो मिलनी चाहिए उनको देने की कोशिश की है। करें हमने नारे नहीं लगाए, कोई वहाँ कोई नारे नहीं लगे हैं। जहाँ कल की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर तो नए साल के उपलक्ष्य में भारत माता की जय का नारा वहाँ पर लगा है। और जहाँ तक उनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है किसी वजह से, शायद मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ को मैं एग्जामिन कर लूँगा, उस पर विचार करेंगे, उसको वापस करना हो तो करेंगे भी।